था तो बैल, लेकिन नादिया नादिया करके क्यों बुलाते हैं? कहते हैं इसमें कारण एक ये है कि नादिया 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 नादिया, शब्द एक ही है लेकिन अर्थ दो है। एक नादिया, भोले बाबा के जो कमंडल में जल था जब उसको समुद्र में नादिया, एक तो जल को नादिया समुद्र में जिससे जालंधर की उत्पत्ति हुई थी, और एक बैल था नादिया, इसे क्यों कहते नादिया? कि नादिया 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 मैंने नहीं दिया। हाँ नंदी बाबा, नादिया 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 मैंने नहीं दिया, ज्ञान मैंने इसको नहीं दिया। और जहां बोलने की बात आएगी तो वहां मैं आगे ही कह दूंगा। आए नादिया, मान ले मेरी बात, तो आगे आगे बोलेगा नहीं, ठीक है? ठीक है। आप श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, बोले बाबा दूल्हा बन गए और बाराती चले, आगे आगे देवता चले, बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश नारद आदि, और देखा क्या, भूत प्रेत चुड़ैल हैं बीच में सब जा रहे हैं, और फिर भोले बाबा की बरात एकदम से जब चली है कि चल भाई भोले की बरतिया, और ये भी हिमाचल नगरी, चल भाई we
सरकार वे हर हर बम बम के ध्वनि करते ही जा रहे हैं और पहुंचे हैं जब राजा हिमांचल के नगरी में। तो भैया जब बारात आती है तो दूल्हा सबसे पहले देखा जाता है, चाहे किसी के गांव में। तो दूल्हा देखने के लिए वो जैसे ही कुछ लोग आए तो बोले चलो देख आ मैं कैसे हैं पार्वती के दूल्हा। और जब दूल्हा देखने को गए तो भैया आगे आगे तो सब देवता थे, तो देवताओं को देख करके तो बड़े खुश हुए कि जब इतने सुंदर बराती हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। पहले तो बड़े मगन, और जब और आगे बढ़े भाई इनमें से दूल्हा कौन सा है, तो क्या देखा जिनके सर में माटी झुआन और किसी का मुंह पीछे को चले आगे को, कोई लुढ़कता ही हुआ जा रहा है, कोई अंधा है तो कोई लिंगड़ा, कोई काना सूरा, कोई बहरा, कोई अंधा, कोई कंजा, कोई लफंगा। जैसे ही कुछ देखा आगे भयानक रूपों को और जैसे ही देख लिया तो जो थोड़ा कमजोर हृदय वाले थे किसी की तो धड़कने तेजी तेजी से चलने लगी, और कोई एकदम से देख रहा है तो आंखें खुला की खुले ही रह गई, चौराहे पे चित्त पड़ा। कुछ कोई कहना चाहो तो फटाखा फट ही रह गया, कुछ कह ही ना सका। और जो थोड़े हिम्मत वाले थे बोले भैया वहां कोई बरातियों के बीच में मत जाना। बोले क्या है बराती कैसे कैसे बुलाए, अरे कुछ पूछो नहीं, बराती आगे आगे तो देखने में बहुत ठीक थे लेकिन आगे जाना तो बराती देख के तो बात दिमाग ऐसी हो बात आती है कि ऐसे बराती तो दूल्हा कैसा होगा, वहां पर आप भयभीत हो जाओगे, प्राण नहीं बच पाएंगे, मेरी बात मान लो, कोई मत जाना। थोड़े हिम्मत वाले बोले हम जरूर देखेंगे पार्वती दूल्हा कैसे हैं। तो बोले ए बरातियों इनमें से बताओ दूल्हा कौन सा है, कौन ये दूल्हा है, ये दूल्हा तो नहीं लगते हैं पूरे, हमको दूल्हा के चपरासी लगते हैं, यही दूल्हा है। कुछ लड़के मान गए कुछ नहीं माने, कुछ मजाक समझ रहे हैं, अरे सच बता दो। बोले बाबा बोले क्या पूछना है, ए नांदिया आगे चल, आगे नांदिया बड़ा, क्या पूछना चाहते हो भैया, इनमें से बराती में जितने भी हैं इनमें से दूल्हा कौन सा है। बोले हम ही दूल्हा है, अच्छा सच है नंदी, हाँ यही दूल्हा है। कुछ माने बोले 80 साल की उम्र में इतनी मजाक शोभा नहीं दे रही है, आप दूल्हा नहीं हो सकते हैं, सच बता दो। कुछ मान गए कुछ नहीं माने, जो मान गए वो मैया के पास पहुंचे, अरे मैना मैया क्या बात है, तुमने अपनी बिटिया को इतना भारू अगर समझा था तो कुआं में ढकेल के मार देती, जहर दे देती, गिची दबा के मार डालती, लेकिन तुमने अपनी बिटिया की ऐसी किस्मत फोड़ी जो दुनिया में ऐसी माँ ने कभी किसी ने बेटी के साथ ऐसा नहीं किया होगा। बोले क्या हुआ बेटा, अरे मैया वो दूल्हा नहीं पूरा मौत को चूल्हा, जिसे करिया करिया डामर वालों ड्रामा देखो है ना, ऐसो दूल्हा मुख में दांत ना आए, पेट में आंत ना आए, बात बात पे हवा निकल जाए, घटिया घाट फरोखा बात, ऐसो दूल्हा मैंने कभी नहीं देखा। हाय मैया तो मचल गई, इसका मतलब बूढ़ा है दूल्हा। हाँ मैया, कहने लगी कि मैं अपनी बेटी का विवाह कदापि नहीं करूंगी, जाओ कह दो अपने बरात वापस ले जाओ, मचल गई मैं ना। और याद रखना अबला सबला हो जाती है जब त्रिया चरित्र दिखलाती है, और एक पल में करती शत मित्र क्षण में मित्र, बनाती माताओं में आते धोती है, कब दुर्गा बन जाए और कब वो चंडी बन जाए। मैया मैं ना क्रोध में आ गई, क्या बोली कि रही है अकेली सदा, ये रही है अकेली सदा, और यहाँ पर दिन वहाँ बीतन है ऐसे बूढ़े के संग, कैसे ऐसे ऐसे बूढ़े के संग हम बिटिया ना भी हैं ऐसे।
जा पाएगी। और बांग की तो बात छोड़िए, ये दतूरे का फल भी ऐसे ही खा जाते। बांट बांट भंगिया धतूरा चबात है, शादी नहीं करूंगी। तब तक खबर आई, आए बाबा तुम जो दूल्हा बन में एक बड़े शौक में थे, अब जाओ तुम अपनी बरात लौटा ले जाओ। मैना मैया कह रही है हम ऐसे एक साथ शादी नहीं करेंगे। अब तो भोले बाबा बोले बहुत गड़बड़ बात है, जो दूल्हा बन के आए फिर कह दे शादी नहीं होगी। नारद जी बोले घबराना नहीं बाबा, हम जाते अभी समझा के आते। पहले नारद जी ऐसे थे, बनाना भी जानते थे बिगाड़ना भी जानते थे। अब के जो घर घर के नारद है, ये बिगाड़ने के अलावा भी बनाना तो सीख ही नहीं। ये नारद जी पहुंचे और कहने लगे मैया को मैं समझा कर आता हूँ। आए और बोले मैना मैया क्यों ज्ञान बनी हो, और ये तो त्रिलोकी नाथ है, इनके दर्शन तपस्या से भी नहीं मिलते हैं जो तुम्हारे द्वार पर आए हैं। तुम्हारा धन्य भाग है, बेटी का तुम्हारा परम सौभाग्य है जो तुम्हारे द्वार पर आए हैं। तो मैना बोली नारद जी चाहे सब बात तुम हमें बताओ तो मान जाएंगे, लेकिन ये बात मानेगी नहीं। तुम भी समझ लो बात कि ऐसे बूढ़े वरना से, नारद जी ऐसे बूढ़े वरना से हमारो क्या काम है।
बात हम मानता हूँ कि तुम्हारी बेटी की उम्र बहुत कम है, इनकी उम्र तो दूनी है ही, पर मैं ना नारद की भी बात नहीं मानना चाहती है। तब नारद जी ने समझ लिया,